नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वार्म क्वेश्चन आई टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी टाइम हो गया सर जी हाँ टाइम हो गया और हम यहाँ पर हैं खुश रहिए अर्षित हेलो डांस फ्लोर डीवा गुड मॉर्निंग जय हिंद जय हिंद हिंदी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात क्लास चालू हो गई है निधि निधि चालू हो गई गुड मॉर्निंग यशु अभी आए नहीं आ गए भैया आ गए थोड़ा सा तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ गए जय हिंद जय हिंद जय हिंद पवन गुड मॉर्निंग चारुल गुड मॉर्निंग गौसिया गुड मॉर्निंग गौन रानी अर्चना यश निधि किटू मिस्टी गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए दोस्तों बता देता हूँ मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल सुपर कोचिंग आई एस वाई टेक्स बुक पे एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं इसके सिवा आपको कहना चाहूँगा हमारा सिलेक्शन से प्यार सेल कल तक हम रन कर रहे थे जो कि अब खत्म हो चुका है और अब जो कीमत है वापस से नॉर्मल हो चुकी है यानी डिस्काउंट अब नहीं मिल रहा तो अब एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है उनतीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं इस कीमत पे आपको जीएस कोर्स ऑप्शनल कोर्स सब्जेक्ट कोर्स सीरीज सब कुछ मिलता है डेली लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन रिकॉर्डेड क्लासेज सुपर टीचर्स के क्लासेज ये सब मिलते हैं आपको केवल उनतीस हज़ार में जब आप एक साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसके सिवा आप साढ़े तीन बजे हमारे ऐप पर भी हमसे जुड़े वहाँ पर भी मैं फ्री क्लास लेता हूँ दस करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये सब आपको मिलेगा बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अटेंडेंस मार्क कर दें जल्दी से लाइक कर दें सर हाउ हक काव हक डे अरे डे मनाता उससे पहले पता चला काव हक डे कैंसिल कर दिया गया है तो फिर क्या करते चलिए 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 तो पहला सवाल आपके समक्ष आने जा रहा है जरा मैं टाइमर भी लगा लेता हूँ सो तो दैट आपके पास एक मिनट का टाइम रहेगा जिसमें आप जवाब देंगे और उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए हैं तैयार हैं तो बायोडाइवर्सिटी सेकेंड टॉपिक है आज क्लास है आज। बताइए भैया यूपीएससी प्री दो का सवाल है तीन स्टेटमेंट दिया गया है बताइए इनमें से कौन कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न मेडिट्रेनियन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन 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 सा जल्दी से मैं लिख देता हूं ए वन है बी वन एंड टू है सी टू एंड थ्री है डी ऑल है Above, above, करें। करें। B, B, two, गए आ गए सारे ऑप्शन क्या ऑप्शन है ए एन ओनली वन ओनली वन ओनली अनु कह रहे हैं ऑल ऑफ जनता जनार्दन विद्यार्थी गण क्या कह रहे हैं मिस्टी कह रही हैं बी बी वन एंड टू वन एंड टू कंफ्यूज हो गई हैं आंसर ए है वन ओनली वन ओनली ईस्टर्न हिमालयाज एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जरूर है मेडिट्रेनियन बेसिन है ऐसा नहीं है कुछ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन नहीं मेडिटरेनियन बेसिन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ वेस्ट नहीं है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है तो इसलिए अगर आप देखें तो इनमें से बस और बस ऑप्शन है यानी वन ओनली सही जवाब है तो आइए आगे बढ़ते हैं इससे पहले आगे बढ़े जल्दी से कुछ चेंजेस कर दें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनमें से कौन है वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न हिमालयाज और सुंदरबन ईस्टर्न हिमालयाज एंड दी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालयाज एंड दी साइलेंट वैली चारुल क्या जवाब दे रही हैं आप सी निधि क्या दे रही हैं? बी टू का बी सी, सी 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 फिर बी जिन्होंने आंसर कर दिया है आपके अनुसार भारत में कितने हॉटस्पॉट हो, हो, हैं और कौन कौन से हैं भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं और कौन कौन से हैं बता दें जिन्होंने जवाब दे दिया है बी 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 सुंदर बन भैया सुंदर बन है वो कैसे हॉटस्पॉट नहीं होगा है कि नहीं सब भी कह रहे हैं डांस लो डिवा। क्या जवाब है आपका किटू सी हिमालयाज इंडो बर्मा वेस्टर्न घाट एंड सुंदरलैंड 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यश परफेक्ट आपने चारों सही सही बताया यहाँ पे आंसर सी है इंडिया में अगर आप देखें तो चार हॉटस्पॉट हैं चार हॉटस्पॉट हैं कौन कौन से हैं ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न घाट्स और फिर अगर आप देखें तो आ जाता है इंडो बर्मा यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला हिस्सा और सुंडा लैंड सुंडा लैंड कौन सा हो गया निकोबार मलेशिया इंडोनेशिया ये वाला रीजन तो भारत में चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं अब ये कौन ठेका लिया है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का कंजर्वेशन इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार छत्तीस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी में रिच हैं लैंड साइज अगर आप देखें तो बस 2.5% है इनका लेकिन वर्ल्ड के जो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज हैं 50% यहीं पर पाए जाते हैं फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ बर्ड मैमल रेप्टाइल एन स्पीशीज इन्हीं इलाकों में एंडेमिक है इनके सिवा और कहीं नहीं मिलते इंडिया में चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हिमालयाज है कौन सा हिमालयाज ईस्टर्न हिमालयाज इंडो बर्मा है और सुंडा लैंड है और वेस्टर्न घाट चलिए अगला सवाल की ओर अग्रसर होते हैं इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जरा जल्दी से बता दीजिए तुरंत बता दीजिए अब तो आपके लिए क्या है अब तो मैंने बता ही दिया पिछले सवाल के डिस्कशन में तो अब गलत किया ना तो देख लेना डी वेस्टर्न घाट्स सी ईस्टर्न घाट्स ल्प फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी उस पर भी आएंगे अगला सवाल थोड़ी देर में आएगा कुछ देर बाद डी 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 सब कोई बोलो जोर से बोलो क्या है जवाब वेस्टर्न घाट क्या ही रह गया इस सवाल में सब तो बता दिया मैंने पिछले ही सवाल में आपको डिस्कशन के दौरान तो वेस्टर्न घाट है चारों के चारो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी आपको बता दिए वेस्टर्न घाट वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पांच हजार फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वन थर्टी नाइन मैमल्स हैं पाँच सौ आठ प्रकार के बर्ड्स हैं वन सेवेंटी नाइन एमसीबियंस हैं एंड एटलीस्ट थ्री ट्वेंटी फाइव ऐसे स्पीशीज हैं जो ग्लोबली थ्रेटेंड हैं जो बस वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं है ना तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साठ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है एंड कई रिवर सिस्टम्स यहाँ से उत्पन्न भी होती हैं एंड फोर्टी परसेंट ऑफ इंडिया की ड्रेनेज में जो नदियां चल रही हैं उनका कैचमेंट एरिया वेस्टर्न घाट से ही शुरू होता है तो ऑप्शन डी इज क्वेश्चन देखते हैं दो स्टेटमेंट दिया गया है स्टेटमेंट वन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केवल ट्रॉपिकल रीजन में ही लोकेटेड है स्टेटमेंट टू इंडिया में चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न घाट्स एंड दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जरा बताइए क्या सही जवाब होगा ऑप्शन स्टैंडर्ड है ए मतलब वन ओनली बी मतलब टू ओनली सी मतलब बोथ डी मतलब नीदर वन नॉट टू फिर से डी फिर से डी कर रहे हैं तो बोल जय माता दी जय माता दी नेहा कह रही है सी तो क्या जवाब देंगे कर दें जय माता दी लेट्स रॉक कर दे भाई अब बोल तो नहीं सकते ना डी को लॉक किया जाए क्या पता अमित जी देख लें सुन लें कल को है ना अपने बेटे को बोलें चलो यूपीएससी की तो उम्र निकल गई स्टेट पीएससी वाला एग्ज़ाम दे दो यहाँ पे अच्छी क्लास हो रही है टेस्ट बुक में अटेंड करो और वो सुन ले जाके घर बोले पापा जी आपका तो नकल कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने क्लेम कर लिया है लॉक करो इन सारी बातों पर तो डर लगता है डी 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 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में है टेम्परेट रीजन में भी हैं है ना जापान से लेके यूएस के कैलिफोर्निया वाले फ्लोरिस्टिक प्रोविंस तक तो ऐसा नहीं है स्टेटमेंट वन इसलिए बिल्कुल गलत हो जाता है इंडिया में चार बायोडाइवर्सिटी हॉट तो हैं लेकिन वेस्टर्न हिमालयस थोड़ी ना है क्या है ईस्टर्न हिमालयस वेस्टर्न घाट्स इंडो म्यांमार या इंडो बर्मा और सुडा लैंड सुंडालैंड ठीक है तो ये आपको जानना है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया है भारत में यूबीपीएससी प्री ट्वेंटी फिफ्टीन पेटेंट इज अ डिफरेंट थिंग अब मैंने क्लास भी ली है कितनी बार अलग अलग प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे पेटेंट होता है कॉपी राइट होता है ट्रेडमार्क होता है अलग अलग चीजें हैं सब अलग है वर्ड पेटेंट वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स बहुत बढ़िया वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आप, आप देखो तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो इंडिया में खुद की बात करें तो आप देखो तो सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ ऑल मैमल्स भारत में मिलते हैं साढ़े बारह प्रतिशत बर्ड्स मिलते हैं सवा छः परसेंट रेपटाइल मिलते हैं सवा चार साढ़े चार परसेंट एम्फिबियंस मिलते हैं है ना तो भारत अट्ठारह मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो वही चीज़ पूछ रहे हैं तो सेचुरेटेड एरिया से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और आपका आंसर कर देना चाहिए एक ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसमें चलिए अगला सवाल देखते हैं इनमें से कौन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है यूपीपीएससी 2016 हिमालयाज विंध्याज नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्टर्न हट्स क्या सवाल आया नहीं बी 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 विंध्य प्रदेश विंध्य, ओके ओके, मालूम ही आपको किसको मैं बेवकूफ बना और सी कैसे भैया देखो इंडो बर्मा है तो याद रखना हमेशा जब ऑप्शन दिए गए ना तो यू हैव टू पिक दी बेस्ट ऑप्शन टेक्निकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी पूरा नहीं है इंडोबर्मा कहते तो सही बात होती लेकिन क्लोज एनफ है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता विंध्य है जो कि कहीं से दूर दूर तक भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है तो इसीलिए या विंध्य जैसे भी आप लिखना चाहें विंध्य प्रदेश या विंध्य तो आंसर इज बी बी, बी। टूडे क्वेश्चन थोड़ा दस सवाल होने तो फिर मेरे सवाल आएंगे थोड़ी देर बाद चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर चलते हैं आप देख सकते हैं भारत के जो बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट हैं चार हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मैप है तो इस इसपे आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं आप देख सकते हैं हिमालय इंडो बर्मा उसके बाद आता है सुन्डा लैंड निकोबार अंडमान निकोबार वाले इलाके के पास और वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका चलिए अगला सवाल देखते हैं सर विध्याज कार्बी अंगलोंग मेघालय सेम ना हाँ हाँ बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात लड्डू 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 चलिए अगला सवाल टॉलेस्ट लिविंग ट्री कौन सा है यूकेलिप्टस का है सिकोया का है देवदार का है या फिर परनांग का है टॉलेस्ट लिविंग नोन ऑब्वियसली क्या पता सारे पेड़ तो किसी ने देखे नहीं है कोई अनन भी हो यूकेलिप्टस मिस्ट्री यूकेलिप्टस के पेड़ बड़े ऊंचे होते हैं सही बात है आपका अनूप सही कह रहे हैं फिर फिरदौस सही कह रहे हैं ना यूकेलिप्टस कितना ऊंचा होता है इससे ऊंचा थोड़ी कोई पेड़ होता सही बात है यश सिकोया अरे वाह तो नाम भी बता दिया उन्होंने नीलगिरी कहते हैं उसे बिल्कुल बिल्कुल नीलगिरी कहते हैं उसे भैया नहीं है जाइंट सिकोया जिसका नाम रखा गया है रेडवुड रेडवुड की प्रजाति सिकोया ये अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया यूएसए में है ये टॉलेस्ट लिविंग ट्री है 115 मीटर की हाइट अटेन कर जाता है तो आप जरा तस्वीर देख सकते हैं बहुत ऊंचा पेड़ है बहुत ऊंचा पेड़ है चौड़ा भी बहुत ज्यादा है क्या है जाएंट सिकोया। जाएंट सिकोया। रेड़ वोड़, रेड़ वोड़। है क्या सिकोया सिकोया रेडवुड रेडवुड ठीक तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा यूफ्ट नहीं है सिकोया है सिकोया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं पे मिलता है कैलिफोर्निया में यानी कौन से क्लाइमेटिक रीजन में मेडिटरेनियन क्लाइमेटिक रीजन में यूकलिप्टस भी कहां मिलता है मेडिटरेनियन क्लाइमेटिक रीजन में ठीक है ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेटिक रीजन से लेकर इन सारे इलाकों में आपको देखने मिलता है यूकलिप्ट ठीक है तो सिकोया है सिकोया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी स्पीशीज को कब कहा जाता है वो एक्सटिंक्ट हो गया जब वो कितने साल तक ना दिखे पंद्रह पच्चीस चालीस पचास यूपीपीएससी 2005 अब शुरू हो रहा है तुक्केबाजी का दौर कोई कहेगा पचास तो कोई कहेगा पंद्रह कोई कहेगा ले लो सर पच्चीस ले लो पच्चीस लगा दो ना तुम्हारा ना मेरा चालीस लगा देते हैं क्या कहते हो बी भी, भी कह रहे हैं डी भी कह रहे हैं बीच वाला ले ले चालीस डी फॉर बर्ड समय हुआ समाप्त नहीं मालूम तो, तो मैं जानता हूं डी 50 इयर्स, 50 ईयर्स तो आई यू सी एन जो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है उसके अनुसार कोई स्पीशीज अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में 50 साल तक ना दिखे तो उसको क्या कहेंगे वो विलुप्त हो गया एक्सटिंक्ट हो गया 50 साल का इंतजार करते हैं उसके बाद भी ना दिखे तो भैया हो गया खत्म एक्सटिंक्ट है ना तो so, आंसर क्या है डी डी किसका डेफिनेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आई ठीक है चलो अगला सवाल अगला सवाल रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? जल्दी से बता दो यूएसईपीए आई यूसी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ यू टी ई एस बी और डी में डाउट है अच्छा मैं तो ये पूछना चाहता हूँ डी का नाम कब सुना तुमने <laughs> जो डाउट है बी 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 ऋषिकेश डब्ल्यू डब्ल्यू एफ तो अचानक सिर्फ विशीत आया पचास के बाद तो वापस कह देंगे कि नहीं मिल गया मिल गया मिल गया है ना ऐसा कुछ नहीं है कि हो गया अब तुम्हारा नंबर निकल गया तो सरकारी स्कीम थोड़ी ना है कि नंबर चला गया तो चला गया <laughs> नहीं मिल गया अरे हमसे गलती हो गई नहीं देख पाए ऐसा बहुत होता है तो एक्सटिंक नहीं हुआ था रिक्लेम कर लिया वापस मिल गया ठीक है तो आंसर क्या है बी आई यू सी एन बी आई यू सी एन आई यू सी एन रेड डेटा बुक

ध्यान से ध्यान से इजीली एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट करो एलिमिनेट करो इजी एलिमिनेशन है ऑल टाइम लो एलिमिनेट करो ब्लू बुल हिंदी में नील गाय ए और बी चलो करें आंसर ए है ए है नील गाय क्या यह कहीं से भी इंडेंजर्ड हो सकता है क्या आया था फरमान नील गाय को लेके क्या कई जगह पे क्या डिक्लेयर कर दिया गया था वर्मिन खेत नष्ट कर रही है खेत नष्ट कर रही है तो बी और डी तो सीधा निकल गए यहां पे देखो रिसस मकाओ रिसस मकाओ, रिसस मकाओ क्या है यह भी गवर्नमेंट डिक्लेयर हो चुका है तुमने सबने देखा भी होगा लाल मुंह वाला बंदर घूमता फिरता है चिल मारता है टंकी खोल के पानी पी जाता है टंकी बिना खोले ढक्कन बिना लगाए वापस चला भी जाता है सुना है दिल्ली में जाओ ओल्ड दिल्ली जगह जगह घूमता रहता है नदी किनारे जाओ है ना बहुत बार छोटे बच्चों को लेके भाग जाता है टोपी ओपी उठा लेता है रीसस मका और कॉमन वाला लाल मुखा बंदर क्या ये इनडेंजर्ड हो सकता है से होगा भैया कैसे होगा तो इजीली आप एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाते ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है डियर है रेड पांडा है एशियाटिक वाइल्ड है है ना तो यही आपसे पूछा गया है ठीक है इतना सिंपल सवाल था हा हा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है लेकिन इंडेंजर्ड तो है ना ये बात सही है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अगेन जैसा मैं कहता हूं बेस्ट ऑप्शन पिक कीजिए पिक कीजिए ठीक है मेरे साइड गर्मी में आए दिन देखने को मिलता है हाँ हाँ बहुत कॉमन है रिसर्स मकाओ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से क्या करेक्ट है स्पेशीज डाइवर्सिटी इनक्रीज करती है जैसे हम इक्वेटर से पोल के तरफ जाते हैं ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पेशीज देखने मिलते हैं टेम्परेट या पोलर एरियाज की तुलना में ऋषिकेश श्रीनि बी, बी 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 अंगद डी बी 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 सही जवाब है स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या करती है इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा होती है जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करने लगती है पोल के तरफ जाने पे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करने लगती है तो स्टेटमेंट वन इसलिए गलत हो जाता है बाकी सही बात है ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप देखोगे तो टेम्परेट और पोलर एरिया की तुलना में ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है बिल्कुल सही बात है तो इसलिए आंसर बी टू ओनली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेबल कम्युनिटी का मतलब होता है कि वहां पे कम्युनिटी के प्रोडक्टिविटी में एक साल से दूसरे साल में ज्यादा अंतर नहीं होता स्टेबल कम्युनिटी इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज से रेजिस्टेंट नहीं होते <laughs> ए ए, बी सी ए, ए ए सोचना क्या है ए ए वन ओनली वन ओनली स्टेबल कम्युनिटी वो होता है क्योंकि वो स्टेबल है उसकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी बनी रहेगी बदलेगी थोड़ी ना एक साल से दूसरे साल में लगभग सेम रहती है स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है ये ऐसा भी नहीं कहेंगे कि रेजिस्टेंट बिल्कुल है लेकिन हाईली रेजिस्टेंट है एंटायरली तो नहीं लेकिन हाँ हाईली रेजिलियट है एलियन स्पीशीज यहां पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पर आ चुका है अब फर्दर चेंज नहीं आएगा ऑब्वियसली आग वाग लग जाए कुछ ऐसा हो जाए तो सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है लेकिन लेकिन नॉट रेजिस्टेंट नहीं डेफिनेटली इट इज रेजिस्टेंट इसीलिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है तभी तो वो स्टेबल हुआ है तो आंसर इज ए दैट इज वन ओनली तो स्टेबल कम्युनिटी अगर आप देखें तो हाईली रेजिलियंट टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीशीज होता है है ना? तो इसलिए आंसर इज इज ए, दैट वन ओनली। चलिए अगला सवाल क्या ट्रू है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को बताता है हैबिटेट फैक्टर है क्लाइमेट का वेजिटेशन का जियोग्राफी का किसी भी इलाके में सी, 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 सी। सब बोल रहे हैं सी सी बराबर है ठीक है सही है अब आप लोग कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं कैसे टालू आंसर इज सी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स जो वहाँ पे देखने मिल रहे हैबिटेट क्यूमुलेटिव फैक्टर है फैक्टर है. है कहीं के क्लाइमेट का वेजिटेशन का जियोग्रफी का है ना इस प्रकार से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको अलग अलग हैबिटेट के रूप में देखने मिलती है सर प्लेस इन न्यूज टॉपिक एक क्लास आफ्टर प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन प्लेसेज इन न्यूज ठीक है ठीक है ठीक है कराते हैं नोटेड नोटेडी ठीक है noted, noted चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंडेमिज्म इकोलॉजिकल स्टेट है किसी स्पीशीज का कि वो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन में यूनिक है ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिजिनस होते हैं किसी प्लेस को वो एंडेमिक होते हैं तब भी अगर वो कहीं और भी मिल जाए तो जरा बताइए क्या करेक्ट है ऑप्शन स्टैंडर्ड है ए मतलब वन ओनली बी मतलब टू ओनली सी मतलब बोथ डी मतलब नीदर वन नॉट टू आपकी मैप की क्लास राहुल सर ले रहे हैं ना वैसे मैं राहुल सर को बोलूंगा कि प्लेसेज एंड न्यूज वाला भी वो कवर कर लें हो रहा है राहुल सर ले रहे हैं मैप वाली क्लास चल रही है ना आपकी एक ए ए तो राहुल सर को मैं बोलूंगा क्योंकि वो सर राहुल सर ले रहे हैं ना तो मैं उनको बोल दूंगा एंड वो भी बहुत खुश होके लेना चाहेंगे I'm pretty sure वो भी पसंद करेंगे है न आप लोगों को जो सुनना है जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाना चाहेंगे चलिए तो आंसर क्या है यहाँ पे ए वन ओनली है एंडमिजम क्या होता है कोई भी स्पीशीज बस वहीं मिले और कहीं ना मिले तो स्टेटमेंट टू तो अपने आप कॉन्ट्राडिक्टी है डेफिनेशन के okay. तो स्टेटमेंट वन और टू तो एक दूसरे के विपरीत हैं है ना विप्रार्थक है कैसे हो सकता है दोनों तो ऑप्शन ऑब्वियसली वन ओनली होगा ना तो यस वन ओनली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से क्या ट्रू है एंडमिज्म का उल्टा होता है कॉस्मोपॉलिटन ब्लू वेल एक मात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉस्मोपॉलिटन है सुना है कॉस्मोपॉलिटन के बारे में गुड मॉर्निंग रतिका ए ए ए सुना है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन एंडमिज्म तो आप सुनते ही रहते हैं शिजुका सी बाकी सब कह रहे हैं ए, 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 ए ए सही 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 जवाब बिल्कुल सही है ए वन ओनली है तो एंडमिज्म क्या हुआ कोई स्पीशीज बस किसी पर्टिकुलर इलाके में ही पाया जाए तो इसको क्या कहेंगे हाँ ये एंडेमिक स्पीशीज है पर कोई ऐसा स्पीशीज हो जो कि पूरे पृथ्वी में पाया जाता है हर जगह मिलता है उसको क्या कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन क्या कहेंगे इसको कॉस्मोपॉलिटन है ना ब्लू वेल मात्र कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन रखता है नहीं ऐसा नहीं है अन्य जीव भी हैं ब्लू वेल तो जरूर रखता है किलर वेल ब्लू वेल ग्रेट वाइट शार्क ये सभी का कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलता है वॉस एक प्रकार का है वो भी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन रखता है हर जगह पाया जाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज है जिसके एडिशन या लॉस से इकोसिस्टम में एडिशन या लॉस से मेजर चेंजेस हो जाए अन्य स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी स्टेटमेंट टू ऑल टॉप प्रेडेटर्स को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है क्योंकि वो अन्य एनिमल के पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं ऑप्शन स्टैंडर्ड है ए मतलब वन ओनली बी मतलब टू ओनली सी मतलब बोथ डी मतलब नीजर वन नॉट टू सी 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 यस यस सी 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 बिल्कुल सही सी स्टैंडर्ड मिस्टेक और जो खुशी की लहर आती है फिर जब आप वो वाला मिस्टेक करते हैं भैया <laughs> क्या पूछा गया है इनमें से क्या इनकरेक्ट है क्या इनकरेक्ट है दोनों में से दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं तो आंसर डी नीदर वन नॉट टू हो जाता है सही बात है कि ईस्टर्न स्पीशीज क्या है वो स्पीशीज है जिसके चेंज से इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ जाए जैसे टाइगर किसी जंगल से टाइगर खत्म हो जाएगा तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी डियर सारा घास खा जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद डियर भी मर जाएगा क्योंकि तो खाना नहीं मिलेगा और वो इकोसिस्टम पूरे तरीके से डिग्रेड हो जाएगा तो मोस्टली सारे के सारे टॉप प्रेडेटर्स अपने अपने इको में की स्टोन स्पीशीज होते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा इको उनके कंधों पे उसका बोझ होता है है कि नहीं तो आंसर इज डी नीदर वन नॉट टू है ना जरूरी नहीं है कि टॉप प्रेडेटर में सिर्फ टाइगर लाइन प्रोकोडाइल हो बड़े एनिमल्स लाइक एलिफेंट भी कई बार एक इको एक अगर आप देखें तो की स्टोन स्पिशीज का रोल प्ले कर सकते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर होना पड़ेगा ठीक है अब तो इनकरेक्ट करेक्ट ही ढूंढती हूँ हाँ ये आदत हो जाती है फिर आप ये मिस्टेक अब कभी नहीं करेंगे यकीन मानिए एग्जाम में भी अब कभी नहीं होगा क्योंकि आपको आदत हो गई है और एग्जाम में आएगा दो तीन सवाल ऐसा आएगा ही जिसमें इनकरेक्ट होगा और अक्सर लोग फंस जाते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस से चलिए अगला सवाल देखते हैं कि से भी काफी सवाल हम देखेंगे बीज प्लांट रिप्रोडक्शन में मददगार होते हैं क्योंकि वो पॉलीनेट करते हैं बीज भी एक प्रकार के कीस्टोन स्पीशीज हैं बताइए C C A A C C बीज कौन सा टॉप रेटर है भाई सी होगा क्या ए ए श्योर हो बीस का टॉप रेटर है कोई पक्का सी बोल दे रतिका ए ना बलबीर सी या ए अरे क्या हो गया हाँ सी वही होगा वही होगा सब बहुत होशियार हो गए चलो ठीक है देखिए ऐसा जरूरी नहीं टॉप प्रेडिटर होगा तो ही की स्टोन होगा की स्टोन होने के लिए बड़ा सिंपल है की स्टोन होता क्या है पहले आपको बता देता हूं मैं मान लो ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है ठीक है और ऐसा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है इस प्रकार से ये पिलर है इसका ये जो दो पत्थर है यहां पे ये पत्थर अगर कमजोर होके गिर जाए तो क्या पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा ना तो आर्किटेक्चर में उसी को कहते हैं की वो पत्थर आप भी अपने घर के आसपास देखो जिसपे हो सकता है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन टिका हुआ है तो वो क्या होता है की होता है तो वैसे ही बीज भी एक की स्टोन स्पीशीज है क्योंकि अगर किसी इकोसिस्टम से बीज हटा दोगे तो प्लांट पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और इस प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही हो जाते हैं प्लांट्स क्या करते हैं प्लांट्स का में, में का रिप्रोडक्शन में में बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए वो स्पीशीज चलिए अगला सवाल देखते हैं की अगर लूज हो जाएगा तो इससे पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा यही कारण है कि की स्पीशीज को बहुत एफर्ट दिया जाता है कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंस तवज्जो दिया जाता है कंजर्वेशन में आज क्लास का मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे कर दिया था ऑप्शन स्टैंडर्ड है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी नीदर वन नॉट टू सी 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 जो बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले जो थोड़ी देर पहले बताया नहीं किया तो रहा बहुत देर हो गई है पंद्रह मिनट हैं ठीक है अब तो देर हो गई तो आंसर क्या है सी है आंसर क्या है सी है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अभी जो आपको बताया आर्किटेक्चर के कंटेक्स में समझाया वही बात हो रही है वापस अगर की स्टोन स्पीशीज किसी इकोसिस्टम से गिर जाता है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है बिल्कुल सही बात है और यही कारण है जब भी कॉन्जर्वेशन की बात होती है तो कीस्टोन स्पीशीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि अगर उनको नहीं बचाया तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स को कर सकता है तो आंसर सी बोथ वन एंड टू चलिए नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन स्पीशीज डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसी भी इकोसिस्टम में डोमिनेंट क्या एबंडस के भी संदर्भ में इन्फ्लुएंस के भी संदर्भ में फाउंडेशन स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन भी होते हैं बताइए जरा हम्म आइकन प्रेस कीजिए और सारे नोटिफिकेशन पाइए प्रेस बेल साउंड इफेक्ट सर क्या सिक्के लेके बैठे हो पूरे पांच रुपए हैं आज के इस क्लास की हमारी यूट्यूब एड रेवेन्यू है शायद उतना भी नहीं तो सी ए ए सी सी ए क्या देंगे जवाब क्या देंगे जवाब सी सी ए सी ए ए वन ओनली फाउंडेशन स्पीशीज वो स्पीशीज है जैसे बिल्डिंग है सबसे पहले बिल्डिंग का क्या होता है फाउंडेशन होता है और उसके ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है है कि नहीं तो ये क्या है फाउंडेशन है ना इस बिल्डिंग का तो वैसे ही उस इकोसिस्टम में वो स्पीशीज जो फाउंडेशन पे है यानी कि वो स्पीशीज जो कि आप अगर देखो तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का बहार उठाया हुआ है वो कहलाता है फाउंडेशन स्पीशीज ये वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन पे कैसे होगा अगर वो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे चला गया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम टिकेगा ही नहीं क्योंकि पूरा इकोसिस्टम यही संचालित कर रहा है ना ये कैसे वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे चला जाएगा अपने इकोसिस्टम में सबसे डोमिनेंट है ये सबसे ज्यादा एबंडेंट है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से क्या ट्रू नहीं है फ्लैगशिप स्पीशीज वो स्पीशीज है जो कि चूज किया जाता है इन्वायरमेंटल कॉज जैसे कि कॉन्जर्वेशन सीग्रास मीडो केलबेड, हार्डवुड फॉरेस्ट एग्जाम्पल है फाउंडेशन स्पीशीज के जरा बताइए ऑप्शन स्टैंडर्ड ए ए ए बी 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 सी बी आर के डी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डी डी क्या पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है दोनों ही ट्रू है दोनों ही ट्रू है फ्लैगशिप स्पीशीज वो स्पीशीज होता है जिसको इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो कंजर्वेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाने में सक्षम होता है किसी को क्यूट लगता है तो किसी को हॉट पर जो भी है वो होता है लोगों में बड़ा रोचक लोगों को बड़ा प्रिय होता है हॉट तो कह नहीं लगता जानवर लेकिन क्यूट तो जरूर लगता होगा है ना तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्या हुआ जैसे टाइगर जैसे एलिफेंट जैसे राइनो जैसे पांडा जैसे इस प्रकार के ये जो पोस्टर बॉयज होते हैं ना चीता ये सब क्या है फ्लैगशिप स्पीशीज है लोगों के दिल में बड़ा प्रेम है लोगों में जागरूकता लानी है तो इनके लिए एफर्ट्स डालने हैं प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट ये सब क्या है फ्लैगशिप स्पीशीज को टारगेट करके लोगों को कहते हैं अरे राइनो कितना प्यारा जानवर है इसको नहीं मारो है ना ऐसा मत करो अरे राइनो को मारता है पकड़ो उसको है ना तो ये सब क्या है ये सब ये सब फ्लैगशिप डॉग भी तो क्यूट है पर डॉग बहुतायत में है कल को डॉग अगर कम हो गया तो वो भी एक प्रबल दावेदार है फ्लैगशिप स्पीशीज बनने का ठीक है तो वो स्पीशीज जिसकी वजह से जिसको पोस्टर बॉय बनाते हैं टाइगर बचाओ टाइगर बचाओ एक्चुअल में तुम जब टाइगर बचा रहे हो तो तुम पूरा इकोसिस्टम को बचा रहे हो क्योंकि वो अपने आप में क्या है एक कीस्टोन स्पीशीज भी है लेकिन लोग को बोलोगे जंगल बचाना है नहीं समझेंगे लेकिन लोग को बोलो टाइगर बचाना है तो लोग कहेंगे हाँ टाइगर से एक अलग फ्रेम आता है तो इसीलिए वो क्या है वो एक फ्लैगशिप स्पीशीज है फाउंडेशन स्पीशीज क्या हुआ जो पूरा इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है कोरल कोरल इकोसिस्टम को कौन चला रहा है कोरल रीफ चला रहे हैं कोरल रीफ खत्म हो गए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हार्डवुड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है क्यों भाई वो फॉरेस्ट पूरा इकोसिस्टम है क्योंकि वहां पे हार्डवुड पेड़ हैं वैसे ही समुद्र के अंदर सीग्रास मीडोज है तो उससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है टेंपरेट रीजन में केल्प के बेड्स हैं वो क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा इको चला रहे हैं और उनके होने के वजह से वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन रहा है वो इको बना रहे हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं फाउंडेशन स्पीशीज ठीक है चलिए तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे ट्रू हो जाते हैं चलिए अगला सवाल इकोसिस्टम इंजीनियर किन को कहा जाता है कौन हो सकते हैं इनमें से फ्लैगशिप स्पीशीज फाउंडेशन स्पीशीज कीस्टोन स्पीशीज डोमिनेंट स्पीशीज टाइम्स ऑफ बी जैसा जवाब दिया दिलीप ने ममता ने रथिका ने विजय ने शिजुका ने बी है इकोसिस्टम इंजीनियर कौन हुआ जो इकोसिस्टम को इंजीनियर करके बना रहा है कौन बना रहा है फाउंडेशन स्पीशीज बना रहे हैं फाउंडेशन स्पीशीज बना रहे हैं जरूरी है कि सिर्फ फाउंडेशन स्पीशीज इकोसिस्टम इंजीनियर हो नहीं कुछ कीस्टोन स्पीशीज भी इकोसिस्टम इंजीनियर हो सकते हैं हाथी क्या करता है वैसे तो कीस्टोन स्पीशीज है लेकिन क्या करता है जहां जहां जाता है पैर से पॉन्ड बनाता है तालाब बनाता है जिसमें अन्य जीवों के लिए वॉटर होल बनता है जिसमें वो आके पानी पीते हैं तो अन्य जीवों के लिए भी सस्टेनेंस का काम करता है तो फाउंडेशन तो डेफिनेटली इकोसिस्टम इंजीनियर्स होते हैं लेकिन इनके सिवा अन्य प्रजाति भी होते हैं जो इकोसिस्टम इंजीनियर्स हो सकते हैं है ना एक वीडियो मैंने बहुत पहले मुझे याद है शेयर किया था टेलीग्राम पे जिसमें कैसे येलो स्टोन नेशनल पार्क पे था देखा है देखा है कैसे उसमें भेड़ियों ने कैसे पूरा इकोसिस्टम को वापस से रन कर दिया टॉप प्रेडिटर एक कीस्टोन स्पीशीज के आने से कैसे वो तो पूरा का पूरा इको वापस रन करने लगा कैसे उसमें ऑटर है जो कि इंजीनियर्स हैं उस इकोसिस्टम के वो कैसे ब्रिज बनाते हैं बाकी जानवरों के मूवमेंट के लिए नदियों में शायद आप लोगों ने देखा होगा हाँ तो उसको मैं फिर से शेयर कर दूंगा जरूर देखिएगा मुझे लगता है एक दो साल पहले मैंने शेयर किया होगा जब फिर से बीच में वापस किया होगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ठीक है फाउंडेशन स्पीशीज देने वाले कौन है पॉल के डेटन है ना पहली बार उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था फाउंडेशन स्पीशीज ठीक है दो स्टेटमेंट है फ्लैगशिप स्पीशीज को चुना जाता है क्योंकि वो वल्नरेबल है अट्रैक्टिव है डिस्टिंक्ट है और पब्लिक से सपोर्ट मिलता है स्टेटमेंट टू बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट जाइंट पांडा ये कुछ फ्लैगशिप स्पीशीज है जो डब्ल्यू इस्तेमाल करता है ऑप्शन स्टैंडर्ड है ए मतलब वन ओनली बी मतलब टू ओनली सी मतलब बोथ डी मतलब नीदर वन नॉर टू ऑप्शन स्टैंडर्ड है हाँ ये ऑप्शन स्टैंडर्ड हो गया सभी ने कह दिया डी तो अब क्या मजा ही नहीं आ रहा सब जानते हैं चलो ठीक है क्या पूछा गया है इनमें से क्या ट्रू नहीं है इन करेक्ट है ना तो मेरा दिल रखने के लिए भी कोई गलत नहीं बोलता है बताओ तो तो नॉट ट्रू दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है तो इसलिए आंसर डी नीदर वन नॉट टू है क्योंकि कोई भी नॉट रू नहीं है फ्लैगशिप स्पीशीज जैसा बार बार मैं कह रहा हूं अपने डिस्टिंगटिवनेस अट्रैक्टिवनेस वलनरेबिलिटी के लिए चुने जाते हैं क्योंकि लोगों में उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है वैसे ही बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट जाइन पांडा कुछ फ्लैगशिप स्पीशीज है जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इस्तेमाल करता है बिल्कुल सही बात है चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोरल रीफ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट बायोलॉजिकल डाइवर्स इकोसिस्टम है हेल्दी कोरल रीफ इकोसिस्टम में माइक्रोस्कोपिक प्लांटन क्रस्टेशियन मोलस्क स्पोन्ज फिश रेप्टाइल मैमल सब देखने मिलते हैं स्मार्ट हो गए हैं सब ये तो है ये तो है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स सोचो तो श्रीनिधि कोरल रीच में कौन सा रेप्टाइल हो सकता है कौन सा मैमल भी हो सकता है सोचो बिल्कुल डुगोंग सीकाओ मैमल्स रेप्टाइल कछुआ टर्टल रहता है ना तो मोलसपूज फिश मरीन रेप्टाइल मैमल सब देखने मिलते हैं मैं अंडमान निकोबार गया था अंडमान गया था निकोबार तो खैर जाने नहीं देते तो वहां पे स्कूबा भी किया था पर स्कूबा से ज्यादा मजेदार था स्नॉर्कलिंग स्नॉर्कलिंग में जो बढ़िया कोरल इकोसिस्टम आपको देखने मिलता है जो मजा आता है देख के मतलब इतना आनंद आता है ना जो आप देखोगे जबरदस्त जबरदस्त नेक्स्ट लेवल तो अंडमान अगर जाना हो तो जरूर कीजिएगा स्कूबा या फिर स्नॉर्कलिंग कीजिएगा बहुत मजा आएगा बहुत कुछ आप देखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं आखिरी सवाल आज का फिर साढ़े तीन बजे होंगे बाकी सवाल डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट स्पीशीज के प्रिजर्वेशन कॉन्जर्वेशन के लिए काम करता है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का हेडक्वार्टर फ्रांस में पेरिस में लोकेटेड है बताइए जरा क्या करेक्ट है ऑप्शन स्टैंडर्ड वन ओनली टू ओनली बोथ डी नीदर वन नॉट टू ंग क्या होता है नॉर्कलिंग देखिए स्कूबा डाइविंग में तो क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन टैंक लगा के समुद्र में नीचे चलना होता है या स्विम करना होता है दैट इज स्कूबा डाइविंग नॉर्कलिंग में क्या होता है एक मास्क लगा देते हैं जो कि पूरा का पूरा पैक्ड होता है उसे एक पाइप निकलता है जो हवा में जाता है और आप पानी के अंदर ऐसे सरफेस पर ही स्विम करते हैं और मुंह जो होता है ना अपना जमीन के तरफ फेस करते हुए स्विम करते हैं तो आप जमीन के अंदर सब कुछ देख पाते हैं चश्मे भी ऐसे पहने होते हैं कि पानी के थ्रू देख पाते हैं क्लियरली तो ये शैलो डेप्थ में काफी अच्छी स्नॉर्कलिंग होती है वहां पे। यकीन मानिए गहराई में जाके स्कूबा डाइविंग से ज्यादा क्लियर मुझे स्नॉर्कलिंग में चीजें देखने मिली थी ए ए, 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 ए। बहुत बढ़िया आंसर इज ए डब्लू डब्ल्यू एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में है ना स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में तो स्टेटमेंट टू इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाता है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में सर तो एकदम नीचे तक दिखता है हाँ पानी जो आप देखोगे ना हार्डली चार फिट पांच फिट का होता है कुछ इलाकों में तो उनमें एकदम नीचे तक का दिखता है कुछ इलाकों में तीन फिट पे है पानी चार फिट उससे ज्यादा पानी नहीं है उसमें तो नीचे तक का दिखता है बिल्कुल नीचे तक का दिखता है और पानी भी एकदम क्लियर होता है उन इलाकों में वहीं पे स्नॉर्कलिंग भी कराते हैं है ना चलिए तो इसके साथ आज के सवाल हुए 25 के 25 समाप्त अब बाकी के 10 सवाल हम करेंगे साढ़े तीन बजे पे हमारे ऐप पर कैसे सवाल करेंगे करंट बेस्ड कैसे होंगे थोड़े कठिन होंगे तो ज़रूर जुड़िएगा साढ़े तीन बजे हमारे ऐप पे जुड़िएगा और ज़रूर हमसे और भी सवाल हम चर्चा करेंगे दस सवाल करीब चर्चा करेंगे तो मिलते हैं साढ़े तीन बजे ऑलरेडी साढ़े ग्यारह का ग्यारह बत्तीस हो चुका है अगली क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है एंड स्टार्ट करते हैं चलिए ज़रूर जरूर भगवान करें आप सभी जाएँ और अपने अपने गोल्स को अचीव करें और उसके बाद है ना स्नॉर्कलिंग भी करें स्कूबा भी करें और वो सारी चीज़ें भी करें जो शायद हम अक्सर देखते हैं तस्वीरों में देखते हैं चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय थैंक यू शिजुका थैंक यू सो मच बाय साढ़े तीन बजे मिलते हैं डू टेक केयर